आगामी फरवरी माह में बजट प्रस्तावित है, जिसको लेकर तमाम लोगों की उम्मीदें अपेक्षाएं हैं। इस समय हम मौजूद हैं अलीगढ़ बस स्टैंड के अंदर, अलीगढ़ बस स्टैंड पर अलीगढ़ बस में एक बस में यात्री हैं, सफ़र कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे, सर पहले के मुकाबले अब जो सुविधाएं देखते हैं बसों के अंदर, कुछ फ़ायदा मिला है? कोई विशेष फायदा नहीं है। आप देख रहे हैं बहुत देर से गाड़ी खड़ी हुई है, लोग इंतजार कर रहे हैं। पहले जो बसों की स्थिति होती थी उससे कुछ बेहतर है, लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं है अभी भी। आज तो चलो ये चांस की बात है, शीशे पूरे लगे हुए हैं, अन्यथा शीशे ही नहीं होते हैं गाड़ी में। सर में कुछ बदलाव नज़र आया आपको? अयोध्या में तो चल रहा है, लेकिन वह सब भी पार्टी चुनाव की वजह से कर रही है, जो भी कर रही है। बजट को लेकर क्या कहना है, बजट से क्या उम्मीद है आपको? बजट तो महंगाई बढ़ती जा रही है, बजट तो आप देख ही रहे हैं। यही बजट जो है, ये जब विपक्ष में थे तो कहते थे महंगाई ज़्यादा है, सिलेंडर 450 का था तब कष्ट नहीं था, आज 1150 में भी कष्ट है। बिल्कुल सर, क्या नाम है आपका? और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले के मुकाबले जो सुविधाएं हैं बसों में, कैसी सुविधाएं बढ़ी हैं, घटी हैं, क्या है? पहले से अच्छा है, बेहतर है, पहले से तो काफ़ी बेहतर है, परिवर्तन है। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बनाया, कुछ बदलाव नज़र आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया लगा है, बहुत अच्छा बदलाव है। बजट को लेकर क्या कहेंगे, जो बजट आ रहा है क्या उम्मीद है आपको इससे? अब बजट तो, अब महंगाई तो है ही है, बजट क्या है। और भी तमाम यात्री हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे, अंदर आइए ज़रा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम हुज़ैफ़ा है। पहले की जो स्थिति थी बसों में और अब की स्थिति में कुछ अंतर देखा है आपने? नहीं, ट्रैवल टाइम उतना ही है, रोड्स की अलबत्ता स्थिति बदली है, लेकिन बसों की कंडीशन, वक्त वक्त पे बसें ख़राब रहती हैं, और जो फैसिलिटीज़ कस्टमर्स को होनी चाहिए वो अभी UPSARTC देने में नाकाम है। अच्छा। आप डिजिटली टिकट नहीं बुक कर सकते हैं, जो सुविधाएं ट्रेन के अंदर हैं, जो रेलवेज देता है, वो बस हमें नहीं दे रहा। अब बजट आने वाला है मोदी सरकार का, ये इस कार्यकाल का लास्ट बजट होगा, क्या उम्मीद है आपको इससे? हमें कोई उम्मीदें नहीं है। लास्ट बजट में भी जो है माइनॉरिटीज़ का बजट जो है घटा दिया गया, और इस साल भी जो है स्कॉलरशिप्स नहीं आई हैं सभी स्टूडेंट्स की, तो उसकी हमें चिंताएं हैं। और एजुकेशन पे जो है बजट जो है बिल्कुल कम से कम होता जा रहा है, तो वो चिंताएं हैं, वो बजट में अगर एड्रेस होंगे इस बार तो बेहतर होगा 2024 के लिए, मोदी जी के लिए। बिल्कुल। चाचा क्या नाम है आपका? और पहले की जो स्थिति थी बसों में, पहले भी आपने यात्रा की होगी, अब कितना अंतर नज़र आता है आपको? बहुत फायदा है, वो तो अच्छी तरह आते चल रही हैं बस। बसों की स्थिति पहले कैसी थी और अब कैसी है? अब तो अच्छी है, मतलब कंडीशन बढ़िया है। अच्छा दादा, एक बजट आने वाला है सरकार का, आप क्या करते हैं? मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं, और क्या करते हैं। कुछ उम्मीद है आपको सरकार आपके लिए कुछ करेगी इसमें? क्यों नहीं करेगी, बहुत कर रही है, अच्छा कर रही है। अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। क्या लगता है स्थिति पहले बसों की कैसी थी और अब कैसी है? नहीं, अब बेहतर हुई है वैसे, थोड़ी साफ़ सफाई के मामले में पहले से अच्छा है। अयोध्या में क्या बदलाव देखते हैं? अयोध्या तो हम खुद ही ड्यूटी करके आ रहे हैं वैसे। अच्छा, हाँ जी, तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हो किस तरह की व्यवस्था है वहाँ पर? अयोध्या में भी डेवलपमेंट हुआ है वैसे, लेकिन मंदिर के आसपास कुछ ज़्यादा हुआ है, जैसे रामपथ वगैरह बना है तो वहाँ पर अच्छा है। हाँ जी, बाकी क्या उम्मीद है आपको बजट से, जो बजट आने वाला है? नो कमेंट। ये देखिए, हमारे साथ तमाम लोग थे, इन्होंने बाकायदा बताया अयोध्या को लेकर, उन्होंने खुलकर बातचीत की। एक भाई साहब जो थे ये अयोध्या घूम के हैं, इनका कहना था कि अयोध्या में काफ़ी बदलाव हुआ है, वहीं बजट से भी लोगों को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि बजट जो है लोगों के हित का होगा। बात करें सड़कों की, तो सड़कों की स्थिति बदली है, जो यात्रा है वो आसान हुई, लेकिन बसों की जो स्थिति है कमोवेश वैसे सुधार है, लेकिन जो जिस तरीके से डिजिटली इंडिया का जो नारा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके तहत डिजिटली जो सीटें बुक हो पाएँ, तमाम बेहतर सुविधाएँ मिल पाएँ, इसको लेकर लोगों का कहना है कि ये भी सुविधा इनको मिलनी चाहिए। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़।